उसके बाद उनके साथ इस तरह का दुराचार इस सरकार ने करा था, उस पेपर की ईट के पेपर की जांच करनी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर हम लोग आज जयपुर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ऐसी गहलोत सरकार को सबक सिखा देंगे कि बच्चों के संग उनके भविष्य के संग खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। अजमेर और पुष्कर से भाजपा संगठन के हजारों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का जयपुर कूच। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जयपुर में किया विधानसभा का घेराव, रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की होगी मांग। रीट पेपर लीक प्रकरण की आंच ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। 15 फरवरी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश भर से भाजपा के हजारों पदाधिकारी व कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे और विधानसभा का घेराव किया। अजमेर शहर भाजपा संगठन के विभिन्न मोर्चों और मंडलों के हजारों पदाधिकारी व कार्यकर्ता अलग अलग बसों के द्वारा जयपुर रवाना हुए। भाजपा महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी अलग अलग बसों से जयपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने जयपुर जाने का मंतव्य मीडिया से साझा किया। आज हम अजमेर से महिला मोर्चा पूरा और किशनगढ़ मदनगंज सभी से यहाँ से रवानगी ले रहे हैं बसों के द्वारा। सारी महिलाएं हम लोग यहाँ से जयपुर जाएंगे। जिस तरह पता है मीडिया के माध्यम से कि रीट का पेपर जो लीक कर दिया गया था और बच्चों ने इतनी मेहनत करी थी उसके बाद उनके साथ इस तरह का दुराचार इस सरकार ने करा था, उस पेपर की ईट के पेपर की जाँच करनी, सीबीआई जाँच होनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर हम लोग आज जयपुर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ऐसी गहलोत सरकार को सबक सिखा देंगे कि बच्चों के संग उनके भविष्य के संग खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। तो सारी नारी शक्ति और हमने जितनी भी हमारी यहाँ से बसें गई हैं वो सब वहाँ जाकर प्रदर्शन कर और आज विधानसभा का घेराव होगा। ये रैली जयपुर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो गहलोत सरकार के द्वारा रीट परीक्षा के साथ जो पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो आदमी थे उनको लगाया गया था और उसके कारण ये पेपर लीक हुआ है, उसके निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा वो हमारे शहर जिले के जो हमारे मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं मोहन लालवाणी जी वगैरह और महिला मोर्चा की टीम है, ओबीसी मोर्चे के सारे हमारे जो अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सभी मोर्चों के हमारे जो नेतृत्व के आधार पर आज हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से विधानसभा का घेराव करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में। और हम सभी कार्यकर्ता और सभी प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से रीट के पेपर जो लीक हुआ है कि सरकार कह रही थी नहीं है, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, और जिस प्रकार से एक के बाद सारी पर्दे खुली जा रही है, तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि इसकी एक बार सीबीआई जांच हो और जो करीबन 16 लाख परीक्षार्थियों ने रीट पेपर दिया उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके जो दोषी हैं उनको सख्त सजा देते हुए उनको ऐसा प्रावधान देना चाहिए कि जो भी अगर कोई किसी प्रकार की परीक्षा अगर आयोजित की जाती है उसमें सरकारी आदमी ही कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए और निष्पक्ष होनी चाहिए ये परीक्षाएं, क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है गहलोत सरकार के राज में और आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं खुद ही, आप आए दिन कहीं छोटी बालिकाएं वो सुरक्षित नहीं है, कभी मतलब संरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं राजस्थान के अंदर। ये गहलोत सरकार हर तरफ से फैल है और हम आज उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनावों में हम इस गहलोत सरकार को उड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छा आपके चैनल के माध्यम से। इसी तरह पुष्कर से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता होली का चौक पुष्कर से जयपुर के लिए रवाना हुए। रीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में भाजपा पुष्कर शहर मंडल व सभी मोर्चों के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों ने जयपुर कूच किया। आज रीट की धांधली को लेकर जो लाखों युवाओं की इन्होंने रीट की परीक्षा को लेकर एग्जाम दिए थे उनके भविष्य से खिलवाड़ किया, हम राज्य सरकार के खिलाफ रीट धांधली को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए युवा मोर्चा के नेतृत्व में पुष्कर शहर मंडल द्वारा जयपुर कूच कर रहे हैं और वहां जाके विधानसभा का धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट ने देहात जिला मंत्री राजेंद्र महावर, सूरज नारायण पाराशर व पुष्कर नारायण पाराशर के नेतृत्व में जयपुर कूच किया।